little bitty woman, and but you'll never know. आपको दो एम्प्टी बॉटल्स की जरूरत है, बट मेक श्योर आप कोई एम्प्टी बॉटल्स ढूंढ के लाएं एक जैसी, ये ना हो कि आप जैम की बोतल निकालें और उसको यूज करना शुरू कर दें। बॉटल के कैप में एक होल बनाइए, अब एक बॉटल में आप सैंड भर लें। ख्याल रखें कि सैंड में मोटे कंकर या लकड़ी वगैरह ना हो। ओके, दैट्स राइट। अब इस पर कैप लगा दें, टाइट करके दूसरी बॉटल का कैप भी टाइट करें। पहले ऊपर रखें बॉटल को और फिर टेप लगा के दोनों को जोड़ दें। अब आपकी आ बॉटल तैयार है और देखें जल्दी जल्दी द सैंड इज फॉलिंग। अगर आप इसको टाइम करें घड़ी के साथ तो आपको पता चलेगा कि कितनी देर में एक बोतल खाली हो जाती है। उससे आपको पता चलेगा कि ये आर बॉटल कितने मिनट्स की है। आप 10 मिनट की बॉटल बना सकते हैं, 15 मिनट की बॉटल बना सकते हैं, आधे घंटे की बॉटल बना सकते हैं, एक घंटे की बॉटल बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 5 घंटे की भी बॉटल आप बना सकते हैं। बट उसके लिए यू नीड अ बिग बॉटल। It's time for KK uncle. सब कुछ हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, इतने में KK अंकल की एक विजिट करके आते हैं कि उनके पास क्या है आज हमारे लिए। सब लोग सलाम बच्चों, आज हम लोग क्या कर सकते, सोचना पड़ेगा क्या कर सकते, सोचें क्या करें हम लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है आओ। आज हमें क्या क्या चाहिए होगा बच्चों, कोई सा भी क्लॉथ या बैंडेज। और क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। मम्मा पापा को बोलो वो आपको लेकर देंगे। एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हम ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला सकें और पट्टी डुबा सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, और इसमें अगर मम्मा पापा आपकी हेल्प करें तो और भी अच्छा है, वैसलीन। मम्मा से बोलो, पापा से बोलो आपको ला देंगे वैसलीन। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग मॉडल बनाएंगे अपने हाथ का और भी चीज़ों का, लेकिन हम शुरुआत हाथ से करेंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें वैसलीन जो है अच्छी तरह हाथ के ऊपर मल देनी है। अब बच्चों हमें प्लास्टर बनाना है, पानी डालना है। बच्चों इसमें हमें जरूरत होगी हेल्पिंग हैंड्स की। हेल्पिंग हैंड्स, ये बस हेल्पिंग हैंड्स बुलाएं आ जाते हैं। हेल्पिंग हैंड्स हमें ना इसके अंदर पानी चाहिए। थैंक यू हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड्स तक मैं इसमें प्लास्टर करता हूँ, आप प्लीज इसके स्ट्रिप्स काट दें। फिर जब मिक्स हो जाए फिर जो है आपको ये बैंडेजेस के स्ट्रिप्स जो हैं ये इसके अंदर भिगोने, अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब कर लेना।
बच्चों जब प्लास्टर जब ड्राई हो रहा होता है ना, थोड़ा सा गर्म फील होता है, उससे आप डरिएगा नहीं, वो बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। एंड रिजल्ट्स देखिएगा क्या मज़ा आएगा। फिंगर्स के लिए आप छोटे पीस इस्तेमाल करें और बाकी जगह के लिए आप बड़े पीस इस्तेमाल करें। बच्चे बस इसको ड्राई होने देना है, वेट करना है, तो फिर वो वेट करते हैं। हो सूख गया, हो थैंक यू बच्चों, सूख गया। लेकिन अब आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बहुत हो आराम आराम से ये उतारना है। बच्चों अब इनको ना थोड़ा सा और ड्राई, तो जो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर हम इसकी कटिंग करके फिनिशिंग करेंगे। जब तक बच्चों हम आपको इस प्रोग्राम का अगला हिस्सा दिखाते हैं, वो है बच्चों ये टेक्निक आप किसी चीज़ के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आए इसके ऊपर लगाते हैं, ये भी कोई चीज़ है। जब तक बॉटल ड्राई हो रही है आप इसके एजेस बराबर कर लें। थोड़ा सा सब्र चाहिए होगा बच्चा और थोड़ी सी जान, इसलिए अगर वैसलीन आप लगाएं तो अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा इस पर सब्र की जा सकती है, थोड़ा सा इसको पुश करना होता है अंदर से। अब बच्चों पेंट। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम लोग इससे। जूजी वजूजी वॉरियर की तरफ से अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी अल्लाह के अंकल को देखा आपने? आप मिले उनसे? आपने देखा वो क्या दिखा रहे थे हमें? Did you all meet him and see what he was doing? Yes. Okay, now we are ready with all our materials and Rukaiya aunty is going to teach us how to play, not play, make things with plaster of Paris. Okay? Yes. Okay, Rukaiya aunty, आप बताएं क्या करना है हमने? चलें सबसे पहले तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें से कुछ चीजें जो बहुत अच्छी हैं उनको अलग कर लेते हैं। Okay. ठीक है? What are we going to do now? ये box देखा है ना आपने? ठीक है, इस box के अंदर हमने चीजें डालनी है, जैसे ये चीज है हमारे पास, ठीक है, इसको हम ऐसे box के अंदर डाल देंगे और box के अंदर हम plaster of Paris डालेंगे ताकि इसका थोड़ा सा हिस्सा plaster of Paris के अंदर आ जाए और बाकी निकल जाए बाहर। ठीक है, फिर जब ये सेट हो जाएगा तो हम box को खोल देंगे, क्या? और इसको सबसे पहले we're going to take some tape and reinforce it. ऐसे साइड्स पे हम टेप लगा देंगे। वी गोइंग टू मिक्स सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। हियर यू गो। वेरी गुड, चलें इसको रखें इसके अंदर।